कलगीधर पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दे मात लोक विचान तो पहला दी ओ पवित्र धरती जिसनू उत्तराखंड जां देवलोक भी आख्या जांदा है, जिथे आप जी ने बैठ के पारी तपस्या कीती सी, श्री हेमकुंड साहब। इत्थे हजारां वरियां तो जगत प्रसिद्ध योगी तपी ऋषि मुनि आदिक ने कठिन कालना काल के अते भजन पाठ तप ते साधना ने इत्थों दे वायुमंडल विच एक अनोखा विस्मादमई रस भर दिता है। इस पर्वत दे आस पास फैले हुए पहाड़, चर चर करदे झरने, लहरां मारदियां ते शूकदियां नदियां, नीला आकाश ते दूर दूर तक फैले हुए हरे भरे कुदरत दे नज़ारे हर किसी लई एक कशिश दा स्रोत हन। हेमकुंड साहब समंदर दे तट तों करीब 15,200 फीट दी ऊंचाई ते बनिया। शायद उत्तराखंड पर्वतमाला दा सब तो उच्चा धर्म स्थान है। हर साल हजारा सिख ते हिंदू इत्थे आउंदे हन ते अपने जन्म नू सफला करदे हन। हिंदू ग्रंथां विच इस नू उत्तराखंड जां तपोभूमि करके जानिया जांदा है। ये ओ स्थान है जिथे महाभारत दे युग विच पांडवां ने बह के तप साधना कीती सी। भारत की राजधानी दिल्ली तो वधेरे यात्रु जत्थे गुरुद्वारा रकाबगंज जां गुरुद्वारा बंगला साहब तो चलते हैं। साड़ी इस महान तीर्थ यात्रा का आरंभ गुरुद्वारा बंगला साहब तो किया गया। बंगला साहब वो स्थान है जिस विच चरणामृत रूपी जल जमा रखा है, जिस तो रोगियों के दुख निवारे जाते हैं। राजा जयसिंह ने अपने महल नू गुरु साहब की पवित्र याद लई समर्पण कर दिता, जो आज बंगला साहब गुरुद्वारे के नाम तो प्रसिद्ध है। सब संगता चलिया दर्शन नू
चलिया दर्शन नु सब संगता चलिया दर्शन नु संगता चलिया दर्शन नु सब संगता चलिया दर्शन नु जन्म गोरांदा पटने साहेब दा 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 आनंदपुर डेरे लाए सब संगता चलिया दर्शन नु 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 पुज्जे हुए हिंदू ते सिख वीर मातावां बच्चे ते बुजुर्ग बड़े उत्साह नाल बसां विच सवार होए। हर एक दे कोल राह लई गरम कपड़े बिस्तरे ते कुछ होर जरूरी समान सी। इस तरह श्रद्धालु श्री हेमकुंड जी दे दर्शन लई रवाना हो गए। दमन गुरु गोविंद सिंह जी का गुणगान कर दिया अपनी मंजिल वाल वधदियां जा रही सन। साडी ये तीर्थ यात्रा गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा मुरादाबाद विखे कुछ समा रुक के लंगर छक के रुद्रपुर होंदिया होइया अगे वध गईया। साडा पहला पड़ा सी गुरुद्वारा नानक मता ना सजना टूटो नाही ने हो जाए मिला ना सजना टूटो नाही ने हो पीजो सीजो। गुरुद्वारा नानक मता वो पवित्र स्थान है जिथे जगत गुरु बाबा नानक देव जी ने अपने पवित्र चरण पा के जोगियां दा अहंकार दूर करके निरंकार दे लड़ लाया।
नैनीताल पीली पीत दे इना प्यानक ते संगने जंगला विच जोगिया ने एक बड़ा भारी गढ़ कायम किया होया सी जिसका नाम गोरखमता सी। संबत 1561 बिक्रमी उत्तराखंड की उदासी वेले अनेक जीवों का उदार करते हुए सतगुरु श्री गुरु नानक देव जी भाई मरदाना समेत इत्थे पुजे। जोगी सतगुरु जी नूं वेख के बड़े हैरान होए। गुरु साहब एक पिप्पल हेठ बैठ गए। जिस पिप्पल दे थले सतगुरु जी बैठे सन वह गुरु जी दे चरण छो नाल हरा भरा हो गया। सिद्धा ने अपनी करामात नाल पिप्पल नूं आकाश विच उड़ाना चाहिया। जिस वेले पिप्पल दियां जड़ां 6 फुट जमीन तो बाहर निकल आईयां तां सतगुरु जी ने अपना पवित्र हाथ ला के उसनूं उत्थे ही रोक लिया। इस पिप्पल वाली जगह नूं पुराने वसनीक श्री पंजा जी दे नाम नाल याद करदे हन। गली अच्छी कर दूर कार नाल प्यारे ने हो। दूसरे दिन साडा जत्था गुरुद्वारा नानक मता तो गुरुद्वारा श्री रीठा साहब ले रवाना हो गया। लंगर बनाया ते संतां नूं लंगर छकाया। बख्श करी जय कर कृपा मोहि साध संग दी जय कर कृपा मोहि साध संग दी जय। कहो नानक प्रभ बख्श करी जय कर कृपा मोहि साध संग दी कार कृपा मोहे साध संग दीजे कार कृपा मोहे साध संग दीजे साध संग दीजे साध संग दीजे। कहो नानक प्रभु बख्श करी। गुरुद्वारा रीठा साहब कुमाऊं दियां पहाड़ियां विच जिला पिथौरागढ़ दी हद अंदर श्री गुरु नानक देव जी महाराज दा पवित्र स्थान है। उत्तराखंड दी उदासी समय श्री गुरु नानक देव जी दी नानक मते जान तो पहला इस थां ते वी जोगियां नाल सतगुरु जी दी धर्म चर्चा हुई। गोरख मत दा इस थां ते इन्ना असर सी कि भुख लगन ते मरदाना जी नूं किसी ने अन्न पानी ना दिता। हंकारी जोगी वेख रहे सन वेखांगे किवें गुरु नानक अपने साथी दी भुख दूर करदे हन। सतगुरु जी ने सामने खड़े रीठे दे दरखत ते मेर दृष्टि कीती जो कि फलां नाल लद्या होया सी। मरदाना जी नूं गुरु जी ने कहा कि इस दरखत ते चढ़ जाओ ते फल छको। सतगुरु जी दी परतख करामत नाल कौड़े रीठे छुआरियां वांग मिठे बन गए जो अज तक मिठे ही हन। यात्रा करन वाले प्रेमियां नूं आज भी मिठी रेठियां दा प्रसाद मिलता है।
सिर खलोया नाम की वेला पै पै सोया वास्ते नैनीताल होके जाना पैंदा है। साडा अगला पड़ा नैनीताल सी, जिथे संता ने नैनीताल दे सुंदर रमणीक स्थान दा एक दिन आनंद मान्या। जत्थे कुदरती नजारे वेखते शब्द पढ़ते ते श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की महान कीर्ति नू याद करते अपने अगले पड़ाव वल चले जाते हैं। जान वालियां ले अगला पड़ा जोशी मठ है। जोशी मठ विच बड़ा सुंदर गुरुद्वारा है, जिथे श्री हेमकुंड साहब दी यात्रा ते जान वालियां ले ठहरन अथवा लंगर आदि दा प्रबंध है। जोशीमठ तहसील हेडक्वार्टर ते इस इलाके का व्यापार केंद्र है। शंकराचार्य दे चार मठा विचों जोशीमठ भी एक है। नाल लगते पिंडां दे बगीचियां तो सेब आलू बुखारा खुरमानी अते आड़ू आदि फल इत्थे आ जांदे हन अते यात्रियों नूं पूरे सीजन मिलते हैं।
ਬਸਾਂ ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਡ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਹੈ ਗੋਬਿੰਦ ਘਾਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਡ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯਾਤਰੂਆਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ, ਠਹਿਰਨ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਆਦਿ ਲਈ ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਸੰਤ ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਊਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗੋਬਿੰਦ ਮਾਰਗ ਸੁਹਾਵਾ।
सहज आनंद में हावा
गुरुद्वारा गोविंद कांड शाशा करदी नदी अलकनंदा दे तट ते विराजमान है। गुरुद्वारा गोविंद कांड इस तो अगे पैदल यात्रा शुरू हो जाती है। Thank you.
संग बिन है सब संग, स्वच्छ वातावरण देख संतां दे सब थके वे दूर हो जांदे हन। यात्रु इहो अनुभव करदे हन जिवें कलगीधर जी दी पवित्र गोद विच आ गए हन। मेरे
आज केवल नाम मिल स्वाद संगत पद केवल नाम गोविंद मिल की ए तेरी बरिया गोविंद मिल की ए तेरी बरिया गोविंद मिल की ए तेरी बरिया पर एक ही रातों शर्मा
संगतामृत वेले गुरुद्वारा साहब अरदास वंदना करके पवित्र गुरु धाम श्री हेमकुंड साहब के दर्शनों लई तुर पैंदियां हन। Thank you.
वातावरण दी जिंदी जागदी तस्वीर दिखाई देती है। जब मनुख एक कठिन पेंडा मुका के श्री हेमकुंड साहब दे दर्शन करता है तो उसके तन मन विच चरनाटा छिड़ जांदियां हन ते आप मुहारे कह उठता है, धन गुरु गोबिंद सिंह साहब, धन गुरु गोबिंद सिंह साहब। सरोवर के कंडे ते बनिया गुरु गोबिंद सिंह जी का यह पवित्र अस्थान समुद्र के तट तो करीब 15,200 फिट उच्चा है। सिंह सोबित है का सब
सब साधक जे बिन मोहि आनो अब मैं अपनी कथा बतानो 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 सिरन ते नाम कहावा पंद राज जय जो कमावा हम अधिक तपस्या साधी महाकाल काल का राजी महाकाल काल का राजी अपने अपनी कथा बखानो अब मैं 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 अपनी तप साधक जे बिन मोहि आनो तप साधक जे बिन मोहि आनो अब मैं अपनी कथा बखानो 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 अब मैं अपनी कथा
प्रभु जब आए सुमय दिया तब हम जन्म कलू में लिया तब हम जन्म कलू में लिया अब मैं अपनी कथा बखानो अब मैं अपनी कथा बखानो